अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शम्स है और मैं जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स न्यूयॉर्क रियल स्टेट एंड बिल्डर्स में होता हूँ। हमारा ऑफिस बहरिया एनक्लेव जू के बिल्कुल ऑपोजिट, ऑफिस नंबर 1 न्यूयॉर्क रियल स्टेट एंड बिल्डर्स है। आज मैं अपने व्यूवर्स और क्लाइंट को सेक्टर बी में लेके आया हूँ और मैं एक कैनाल का ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। ब्रांड न्यू हाउस है हमारे पास, बहुत ही लग्जरी हाउस है, ब्यूटीफुल हाउस है और मेन बुलेवार्ड पे है और कॉर्नर हाउस है। सबसे प्लस पॉइंट है कि कॉर्नर है, टू एक्सिस उसको जो है वो लगती है, एक मेन बुलेवार्ड की और दूसरा स्ट्रीट 5 की। हमारे पास हाउस नंबर 1 फॉर सेल है। इसमें 12 बेडरूम्स हैं, 3 इसमें स्टोर्स हैं, 3 किचन है, सर्वेंट क्वार्टर है, 3 लॉन्च हैं, बड़े बड़े खूबसूरत, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ए प्लस कंस्ट्रक्शन है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। मेरी बैक साइड पे है ये घर। अभी मैं आपको इसका ओवरऑल भी व्यू दूंगा, सारा डिटेल में दिखाऊंगा अंदर से कि कितना प्यारा फिनिश हुआ हुआ है, कितनी अच्छी इसमें कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, साइजेस रूम्स के भी कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा वेंटिलेशन के लिए, लाइट के लिए भी इन्होंने रखा हुआ है। ये सेक्टर बी है, सेक्टर बी की मेन बुलेवार्ड रोड है। ये देख रहे हैं आप किस तरह किनार किनार के घर बने हुए हैं ऑपोजिट साइड पे भी। और सबसे प्लस पॉइंट है इसका कि ये बुलेवार्ड जो है वो आगे जाके एंड हो जाती है, ये डेड एंड है, ये बुलेवार्ड जो है वो डेड एंड है। इसके सामने बिल्कुल आप देखेंगे सारा ग्रीन बेल्ट है, उसके सामने सेक्टर ए है और वो सेक्टर ए के क्यूब अपार्टमेंट्स हैं जो अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस में देखते होंगे या कभी बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद सेक्टर ए में आएँ तो आपको नज़र आ जाएंगे। और स्ट्रीट 5 का भी मैं आपको ओवरऑल व्यू दूँ कि स्ट्रीट 5 जो है वो भी डेड एंड है। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो आपके पास यहाँ पे ट्रैफिक अगर हो भी जाए फिर भी आपकी स्ट्रीट को कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, बुलेवार्ड पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, तो हर लिहाज से ये प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छी है। अब आइए मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू भी देता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कितनी अच्छी लोकेशन है इसकी। ये देखें किस तरह बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, रेजिडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं। ये इसका मेन बुलेवार्ड का व्यू है, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि, और ये देख रहे हैं किस तरह बिग विंडोज़ हैं। और बुलेवार्ड पे भी एक्सेस है इसका, आप यहाँ से भी इजीली, एक गेट यहाँ पे भी दिया गया है ग्राउंड फ्लोर पे, आप फर्स्ट फ्लोर पे आप जा सकते हैं, बेसमेंट में भी जा सकते हैं और आपके पास टू एक्सेस है। आइए मैं अब आपको घर पे लेके जाता हूँ और इसका डिटेल आपको रिव्यू देता हूँ और दिखाता हूँ कि ये घर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी इसकी फिटिंग हुई हुई है, एवरी एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर। और ये हमारे पास 8.25 करोड़ रुपये डिमांड में आ रहा है, वो थोड़ा बहुत निगोशिएबल है, वो थोड़ा बहुत निगोशिएबल है। अभी मैं आपको इसके अंदर से सारा दिखाता हूँ। और ये स्ट्रीट का जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये डेड एंड है और स्ट्रीट 5 में भी देखें किस तरह घर बने हुए हैं, ये देखें सामने कनाल कनाल के, बहुत अच्छा सेक्टर है ये, बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद की बिल्कुल स्टार्टिंग में है ये और ये बहुत अच्छा सेक्टर है। ये हमारे पास फ्रंट एलिवेशन है जिसके अंदर 12 बेडरूम्स हैं, कॉर्नर है, स्लाइडिंग डोर है, ईज़िली 2 कार्स पार्क हो सकती हैं बाय रोड पे भी। आइए मैं अब आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ। देखिए बिग पोर्च है, इजीली 2 बड़ी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, एक गाड़ी वहाँ पे भी हो सकती है। और बेसमेंट में जाने के लिए भी ये रास्ता है यहाँ से, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको मेन एंट्रेंस से लेके जाता हूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये बेसमेंट में जाने के लिए स्टेयर्स हैं साथ, एंटर होते साथ ही आपके पास बिग ड्राइंग रूम है, बिग विंडोज हैं, आपको कॉर्नर का व्यू यहां से कितना अच्छा आता है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि ये सेंट्रल हीटेड है, फिटिंग हुई हुई है, सेंट्रल हीटेड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे।
बहुत प्यारी फ्लोरिंग हुई हुई है, सच अ ब्यूटीफुल हाउस। इसी के सामने आपके पास किचन है, ब्रांड न्यू किचन। और साथ इसके डर्टी किचन है। एक स्पेस है यहाँ पे, पूरे घर में सेंट्रल हीटेड हुई हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास बेडरूम है, ये बेडरूम का साइज है। कबर्ड्स इंस्टॉल्ड हैं, बिग वॉशरूम्स, ये दूसरा बेडरूम है। वॉशरूम्स बहुत अच्छे बनाए हैं, खुले हैं, बाथ के लिए अलग स्पेस है, पार्टीशन है बीच में जो कि बहुत अच्छी है। थर्ड बेडरूम विथ कबर्ड्स एंड एवरीथिंग, ब्यूटीफुल वॉशरूम, बिग। इसी तरह मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता हूँ, पहले बेसमेंट दिखाता हूँ आपको, फिर फर्स्ट फ्लोर पे लेके आऊँगा। यहाँ से बेसमेंट में आप आ जाएं, बिग लॉन्च है आपके पास बेसमेंट में, ओपन बेसमेंट है, ये लाइट है यहाँ पे। स्पेस है यहाँ पे, बेडरूम, अटैच वॉशरूम्स, किचन है बेसमेंट में भी, ब्रांड न्यू, वेरी नाइस। सात बेडरूम्स हैं। यहाँ से बैक से भी यहाँ पे स्पेस है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, स्टेयर्स हैं और ये बेडरूम्स हैं। आइए मैं अब आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता हूँ। नीचे भी स्टोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं, अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता हूँ। ऊपर भी आपके पास ओपन स्पेस है फर्स्ट फ्लोर पर सिटिंग की। सबसे प्लस पॉइंट है कि ये साथ इसके टेरेस है जिसका व्यू बहुत अच्छा है कॉर्नर का। पहले मैं आपको सामने से दिखा रहा था, सामने एक क्यूब अपार्टमेंट है, सेक्टर ये है, और इसके सामने भी कनाल कनाल के घर बने हुए हैं और ये स्ट्रीट जो है वो डेड एंड है। पीछे तक स्पेस है जाने के लिए। बेडरूम है आपके पास, कबर्ड्स एंड एवरीथिंग, बाथ के लिए अलग स्पेस है, बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन,
नाइस कॉम्बिनेशन है टाइल्स का। ये बेडरूम्स के साइजेस हैं। स्टोर रूम है, बिग बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम, इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी किचन है ब्रांड न्यू। स्पेशल एक डोर दिया है जो कि इजीली कनेक्ट करता है आपका नेक्स्ट बेसमेंट में जाने के लिए भी रास्ता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे एक टेरेस है छोटा सा, अब आइए मैं आपको रूफ टॉप पर लेके जाता हूँ और इसका ओवरऑल व्यू देता हूँ। ये घर हमारे पास 8.25 करोड़ रुपए डिमांड में आ रहा है, वो थोड़ा बहुत निगोशिएबल है। ये हम लोग रूफ टॉप पे आ गए हैं। रूफ टॉप पे भी एक एक्स्ट्रा बिग रूम है, ये देखें, वेरी नाइस। साथ ये ओपन रूफ है, साथ अटैच वॉशरूम। अब आइए मैं अब आपको इसके रूफ टॉप पे लेके जाता हूँ। ये हम लोग रूफ टॉप पे आ गए हैं, प्रॉपर मिरर्स लगे हुए हैं। ये बिग इसका रूफ है, चिप्स हुए हुए हैं, प्रॉपर नाइस, प्रॉपर बैक डोर से आने के लिए रास्ता है सर्वेंट के लिए। एवरी फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की हुई है। ये इसका बैक का रास्ता है, ये देखें, बेसमेंट से आप शुरू में भी जा सकते हैं। ये सर्वेंट के लिए लेडर है, वाला पोर्च भी जो दूसरी साइड वाला वो यूज़ कर सकते हैं। ये टेरेस भी आपके पास सेपरेट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास कनाल का घर है, कॉर्नर, सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन है ये, और ये 8.25 करोड़ रुपए डिमांड में आ रहा है, ब्रांड न्यू है। और ये इसका सर्वेंट क्वार्टर है जो मैंने आपको एंटर ऊपर चढ़ते साथ ही जो दिखाया, सिर्फ अटैच वॉशरूम। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, कनाल का घर विदाउट बेसमेंट वो हमारे पास 2 लाख रुपए रेंट पे आता है, विद बेसमेंट 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए इसका रेंट है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बहुत कम आती हैं, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ये इसका फ्रंट का व्यू है, जैसे मैंने आपको दिखाया, सारा पोर्च है, रोड है, ये स्ट्रीट का भी ये डेड एंड है, प्लस पॉइंट है, फिर ये बुलेवार्ड का भी डेड एंड है। हर लिहाज से ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कॉर्नर है और ब्रांड न्यू घर है। मेरा टेलीफोन नंबर स्क्रीन के नीचे मेंशन हो रहा है, 0300-9000-888। मेरा चैनल है शम्स राजा, शम्स राजा, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इस तरह की मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। कनाल के घर भी हम लोग उनकी वीडियोज़ भी बनाते हैं, क्योंकि कस्टमर और क्लाइंट डिमांड करते हैं कि कनाल के घरों की भी वीडियोज़ लगाया करें, ताकि हमें उसका डिज़ाइंस और कितने रूम्स हैं, कुछ फैमिलीज़ बहुत बड़ी होती हैं, उनके लिए कनाल का ऑप्शंस बेस्ट होता है। बहुत अच्छा घर है, ब्रांड न्यू है, सेक्टर बी, बहरीन क्लियर, इस्लामाबाद के बहुत नियर है, 2 मिनट्स की ड्राइव है, हर कमर्शियल एक्टिविटी करीब है। तो आप प्लीज़ विज़िट करें हमारे ऑफिस और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर फीडबैक दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू, टेक अ लॉट गुड केयर, हैव अ नाइस इवनिंग, अल्लाह हाफिज़।